हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम शादियों में खाने वाला पनीर बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाएंगे, तो चलिए इस पनीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में एक कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर, 8 से 10 काजू, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट टमाटर को हमने पका लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर पीस लेंगे और अब हम गैस ऑन करके पैन में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी वाली इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और कुछ सेकंड मसालों को लो फ्लेम पर भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने चॉपर की सहायता से चॉप कर लिया है। आप प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज को हम लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। कुछ देर बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है। प्याज को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, केवल इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। लो फ्लेम पर मसाले को 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस कर रखा था। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी लेकर मैंने इसे हिला लिया है, इसे भी इसी में डालेंगे। और अब हम मसाले को 6 से 7 मिनट तक ढककर पकने देंगे। बीच में हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम पनीर फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके पैन में 1 टीस्पून बटर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 से 3 पिंच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 पिंच नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी। सभी को मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम पनीर। पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पनीर की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, पर शादियों में बनने वाले पनीर की सब्जी में पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम और ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप चाहें तो इसमें पनीर की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और पनीर को हम अलग रखेंगे। मसाले को भी हमने 6 से 7 मिनट तक ढककर पका लिया है। एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम मसाले को 2 से 3 मिनट तक और ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर को डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। पानी आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर और पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस पनीर की सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।